चांद कभी पिघले हुए चट्टानों के समुंदर से ढका हुआ था। क्या आप जानते हैं कि चांद कभी पिघले हुए चट्टानों के समुंदर से ढका हुआ था? जी हाँ, एक हालिया तहकीक ने इस हैरानकुन हकीकत को साबित किया है। दोस्तों, चांद हमेशा से इंसानों के लिए एक खासा मामला बना रहा है, लेकिन साइंसदानों ने अब एक नई तहकीक में ये इंकशाफ किया है कि चांद की सतह पर एक ज़माने में पिघली हुई चट्टानों का समुंदर मौजूद था। इस मुताले के मुताबिक चांद की तशखीस के बाद उसकी सतह इतनी गर्म थी कि वो एक मुकम्मल माय समुंदर की तरह थी। नाज़रीन, ये पिघला हुआ समुंदर कैसे बना? साइंसदानों का कहना है कि जब ज़मीन और एक दूसरे बड़े जिस्म या सियारे के दरमियान ज़ोरदार तसादम हुआ तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हरारत पैदा हुई। इस हरारत ने चांद की सतह को पिघला दिया और उसे एक माए हालत में तब्दील कर दिया। नाज़रीन, ये मुताला अहम हमें चांद की तारीख और उसके इर्तका के बारे में नई मालूमात फराहम करता है। ये हमें समझने में मदद देता है कि चांद की सतह की तशखीस कैसे हुई और आज जो हम चांद को देखते हैं वो कैसे वजूद में आया। साइंसदानों का कहना है कि ये मुताला ना सिर्फ चांद की बल्कि ज़मीन की तारीख के बारे में भी नए सवालात उठाता है, ये समझने के लिए कि हमारे अपने सियारे की तशखीस कैसे हुई। चांद का मुताला बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर हमारी आज की वीडियो चांद की तारीख के बारे में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी दिलचस्प मालूमात मिलती रहें। तब तक के लिए चांद की रोशनी से लुत्फ़अंदोज़ हों और हमें इजाज़त दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।